सो गाइज, आज हम कर रहे हैं अपनी 3 साल पुरानी पल्सर 150 का माइलेज टेस्ट। और गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी मैं कर रहा हूँ इसके कार्बोरेटर का फ्यूल ख़त्म, क्योंकि मैंने इसका जो पाइप है ये डिस्कनेक्ट कर दिया है पेट्रोल टैंक से। तो अभी इसका कार्बोरेटर का तेल ख़त्म करेंगे, फिर हम अपनी इस बॉटल के अंदर 100 ml पेट्रोल लेंगे और फिर यहाँ से हम अपना टेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम फर्स्ट टेस्ट करेंगे जिसमें हम जाएंगे लोकल प्लस हाईवे दोनों मिक्स करके, और जो सेकंड टेस्ट होगा हैंड टू हैंड एकदम से करूँगा मैं उसके जस्ट बाद। यानी 2 टेस्ट होंगे आज, तो सेकंड जो टेस्ट होगा वो होगा हाईवे पे सिर्फ, यानी 40-50 की स्पीड मेंटेन करके, और जो फर्स्ट टेस्ट होगा वो मैंने आपको बताया लोकल में भी चलाऊँगा मैं, ब्रेकिंग वगैरह भी ज़्यादा करके दिखाऊँगा। तो दोनों कंडीशन में माइलेज कितना देती है हमारी पल्सर 150 2016 मॉडल 2-3 साल चलने के बाद, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज, हम लोग भर रहे हैं अभी अपनी बॉटल में पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल भरेंगे, सॉरी 100 ml पेट्रोल भरेंगे, और 100 ml में जितना चलेगी ये उसको फिर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा एवरेज निकल के आ जाएगा। तो हम इसको करते हैं कनेक्ट इसके साथ, और ये क्योंकि पोर भी हो रहा है तो जल्दी से कनेक्ट कर देते हैं इससे पहले कि हमारा कैलकुलेशन ख़राब हो जाए। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले स्टार्ट करके एक बार। तो यानी हमने कार्बोरेटर का ऑलमोस्ट सारा ही पेट्रोल ख़त्म कर दिया है। अब हम इसको यहाँ से ऑन करते हैं और अपनी मिक्स वाली राइड स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब ये कार्बोरेटर का ख़त्म हो चुका है, तो इससे क्या होगा, एग्जैक्ट रीडिंग निकल के आएगी। जब तक हमारा पूरा पेट्रोल ख़त्म होगा तब तक हम इसको चलाएँगे। ट्रिप टू हो गई हमारी 0, आप देख सकते हैं ट्रिप टू 0 हो चुकी है, और बस यहाँ से करते हैं स्टार्ट। तो ये मिक्स वाली रहेगी हमारी, जिसमें हम सिटी कंडीशन में भी चलाएंगे और हाईवे पे भी चलाएंगे, ब्रेकिंग भी करेंगे, बाजार में भी चलाएंगे, और देखते हैं हमारा कितना माइलेज आता है। गाइज, अभी तक हमने लगभग 2.2 किलोमीटर चलाई है, जो कि सिटी कंडीशंस में चलाई है बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग करके। अब हम चलाने वाले हैं बाइक को हाईवे पर, जो कि हम 40-50 की मतलब स्पीड लिमिट पे रखेंगे। तो 2.3 किलोमीटर हो गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम चलाएंगे हाईवे कंडीशन में, जिसमें हम 40-50 मेंटेन करके रखेंगे स्पीड। सो गाइज, पूरा का पूरा 40 का माइलेज इसने दिया है, 4 ही किलोमीटर चली है। चला के दिखा देता हूँ आपको स्टार्ट करके। स्टार्ट नहीं हो रही है अब यहाँ पर, तो यानी हमें सिटी में हमने बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग की, उस कंडीशन में इसने दिया है हमें 40 का माइलेज, यानी 100 ml में चली है 4 किलोमीटर। अब हम इसमें दोबारा से पेट्रोल भरेंगे और हम हाईवे पर ही चलेंगे, देखते हैं कितना माइलेज इसमें आता है। फिर से इसमें 100 ml पेट्रोल भर लिया है, पूरा 100 ही है। चलो इसको फिर से कनेक्ट करते हैं और फिर से अपना चालू करते हैं। एक बार स्टार्ट करके दिखा देता हूँ मैं आपको। नहीं हो रही है स्टार्ट, और हम इसको करते हैं ऑन। अब हमारी बाइक हो जाएगी स्टार्ट और ट्रिप करते हैं हम 0। तो गाइस, ट्रिप हो गई है 0, आप देख सकते हैं, और अब करते हैं स्टार्ट।
गाड़ी हो गई है स्टार्ट और अब दोबारा से शुरू करते हैं अपना माइलेज टेस्ट। अब हम चलेंगे 40-50 की स्पीड से हाईवे पे। सो गाइस, बाइक स्टार्ट होनी होगी है बंद, यानी हमारा पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है जो कि हमने बॉटल में रखा था। अभी मैं देख लेता हूँ रीडिंग कितनी आई है। ये आई है 5.2, यानी 100 ml में चली है 5.2, यानी आपके पूरे एक लीटर में चलेगी 52। सो लॉन्ग पे आपका माइलेज इसमें आएगा 52, और लॉन्ग पे यानी हाईवे कंडीशंस में अगर आप लोकल प्लस मिक्स चलाएंगे तो लगभग 40-42 के बीच में आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और सिंगल पर्सन की कंडीशन में आएगा। अगर दो पर्सन आप बैठेंगे तो लोकल में थोड़ा सा और ड्रॉप जाएगा, हाईवे पे भी थोड़ा सा ड्रॉप जाएगा। और 40-50 के बीच में मैंने क्यों रखी हाईवे पे, क्योंकि गाइज ये 40-50 के बीच ऑप्टिमम इसका माइलेज आता है, मैक्सिमम जितना होता है माइलेज उसका निकल जाता है। तो अब सवाल यही है कि हम कितना इससे माइलेज लेना चाहते हैं, कितना इससे मिलता है। तो बस हमें इतना ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। 3 साल पुरानी बाइक 40 किलोमीटर्स दे रही है लोकल कंडीशन में और 52 किलोमीटर्स का माइलेज दे रही है हाईवे कंडीशंस में। तो आई होप गाइज यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें। हमारी लद्दाख टूर की सारी वीडियोज़ देखते रहें, वो भी आती जा रही हैं, आपको मिलते जा रही है नोटिफिकेशन। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी वीडियो की वजह से आए थे तो वो वाइज इसको लाइक कर दें, क्योंकि आपका जो आप ढूंढ रहे थे आपको मिल गया है और आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कीप वॉचिंग। बाय बाय।